उफ़ो, घर में सिर्फ एक कद्दू पड़ा है और मेहमान आ गए। कोई बात नहीं, बेहतरीन नाश्ता बनाते हैं। आधी कटोरी बेसन में, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कटी हुई अदरक और हरी मिर्च डालते हैं। कद्दू को छील लेते हैं, कद्दूकस कर लेते हैं। अभी तो मेहमान आकर बैठे भी नहीं हैं। बेसन में हम ये सब मिला लेते हैं, सूखा ही मिलाना है बेसन, पानी बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि घी में बहुत सारा पानी होता है, अपना पानी ये छोड़ती है। और इसके बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से पोले पोले से गोल गोल पकौड़े बनाकर गरम गरम तेल में तल लीजिए। चाय जब तक तैयार भी नहीं होगी और आपका नाश्ता तैयार हो जाएगा। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ये पकौड़े इतने टेस्टी बनते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं जब भी बनाती हूँ ना तो आधे तो बनाते बनाते खा जाती हूँ। और तेल भी आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना, एक कटोरी तेल भी आप गर्म करेंगे ना तो आपके 2-3 प्लेट पकौड़े झटपट तैयार हो जाएंगे। सच कह रही हूँ फ्रेंड्स, जितनी देर में चाय भी नहीं बनती और ये पकौड़े तैयार हो जाते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ था, मेरे घर में सिर्फ एक कद्दू पड़ा था और मेहमान आ गए, वो भी मेरी सास की सास। मेरे को पकौड़े बनाने थे और उसके लिए आलू भी घर में नहीं थे। जब ये पकौड़े मैंने बना कर खिलाए तो इतनी तारीफ हुई, इतनी तारीफ हुई। वो जब भी मिलती हैं मेरे हाथ में 100 का नोट जरूर रखती हैं। तो ये तो है घर की बात, लेकिन ये बनाइएगा ज़रूर, खाइएगा ज़रूर। सुनहरे सुनहरे तले हुए करारे करारे पकौड़े बेहद शानदार लगते हैं। और अगर आपके घर में कोई सब्जी ना हो तो कोई भी करी बनाकर, टमाटर की, उसमें ये डालकर कोफ्ते भी बनाकर आप खा और खिला सकते हैं। बहुत शानदार और बहुत टेस्टी नाश्ता बनता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशन वीडियोज़ की मिलती रहें झटपट फटाफट। वर्षा की रसोई में जल्द मिलते हैं।